नमस्कार दोस्तों, आज आपका एक बार फिर से स्वागत है अपने चैनल नॉलेज की में। दोस्तों, मैंने बहुत सारे जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं या जो वीडियो पर कमेंट कर रहे हैं उनके मैंने कमेंट पढ़े हैं, तो कुछ नहीं ज़्यादा ही लोगों ने कहा है कि ट्राई के रूल के मुताबिक जो 31 जनवरी के बाद हम पैक बनाएंगे वो महंगा हो जाएगा। ये बिल्कुल सही है दोस्तों, ये महंगा तो होगा ही होगा। वो क्यों, हम आपको पूरा डिटेल में समझाएंगे ये कैसे महंगा होगा। दोस्तों, हम एक मैं टाटा स्काई चला रहा हूँ, मैं उस पर एक बार आपको बात बता रहा हूँ कि टाटा स्काई पर पहले एक 220 रुपये का पैक मिलता था, उसमें जी के भी चैनल थे, उसमें सोनी के भी थे, उसमें स्टार के भी थे, और उसमें मैंने एक स्पोर्ट्स के भी दो चैनल लिए हुए थे। एक चैनल लिया था वो 60 रुपये का अलग लिया हुआ था, तो 220 और 60 280 रुपये में मैं देख रहा था। GST इसमें ऐड था, नेट मैं 280 रुपये पे कर रहा था। पर अब क्या होगा दोस्तों, अब देखिए, अब दोस्तों अब जो ट्राई का रेंट है, जो 130 रुपये डिश का रेंट है या ट्राई का रेंट है, 130 तो वो लगेगा जो 100 चैनल हमें देगा। वो 100 चैनल कोई भी होंगे वो बाल की बात है, वो हमने पहले वीडियो में बताया था कौन कौन से चैनल है। वो 130 रुपये तो वो लगेंगे, उसके बाद हम एक सोनी का पैक ले लेंगे, वो 31 रुपये का है पैक, हैप्पी फैमिली पैक जो है उनका 31 रुपये का है। और एक हम पैक लेंगे जी का, वो है 45 रुपये का, जी का 24 चैनल दे रहा है जी भी। और एक हम पैक लेंगे स्टार का, वो है 49 रुपये का, 49 का वो पैक ले लिया। और दो स्पोर्ट्स के चैनल ले लो कोई भी, चलो अब सस्ते होंगे तो दो तो बंदा हर इंसान लेगा लेगा, जब नहीं भी लेगा वो कम ज़्यादा हो जाएंगे पैक में। दो स्पोर्ट्स के चैनल के लगा लो 38 रुपये, 19 रुपये का एक चैनल है स्पोर्ट्स का, 38 ये हो गए, ये सब टोटल करके दोस्तों 293 रुपये हो गए। ट्राई का रेंट 130, सोनी के 31, जी के 45 45, और स्टार के 49 49, ये टोटल, और दो स्पोर्ट्स के चैनल, ये मिलाकर टोटल मिलाकर 293 रुपये हो गए। दोस्तों इसमें GST ऐड नहीं है, GST के बगैर है, विदाउट GST इसमें अभी 18% GST भी लगेगा, जो भी होगा 18% या कुछ भी हो, पहले 18% था, अभी 18 ही होगा शायद, मुझे इतना मैंने देखा नहीं अभी, 18% GST लगेगा इसमें। तो सोचिए ये कितने का पड़ गया, जो मैं पहले पैक में देख रहा था, बिल्कुल मैं वही बता रहा हूँ जो मैं 280 में देख रहा था, 220 रुपये मेरा पैक था जो मेरा मंथली रेंट था, और 60 रुपये का मैंने स्पोर्ट्स का चैनल लिया था, ये मिलाकर 280 और था। लेकिन अब 293 में, 280 से 93 13 रुपये तो ये प्लस हो गए इसमें, और GST 18% अलग से लगेगा इसमें, तो ये कम से कम 40-50 रुपये ज़्यादा हो जाएगा महंगा। ये बिल्कुल आपकी बात सही है दोस्तों, ये अब पैक महंगा मिलेगा हमें पहले से ज़्यादा। ऐसे ही जो 99 वाला पैक था, कोई भी किसी में भी, उसमें फ्री सभी चैनल थे, वो पहले फ्री वाले 99 वाले थे, अब 130 वाला हो गया फ्री, वो भी 99 में लेकर उसमें कुछ और भी चैनल लेने पड़ते थे, 170 तक का पैक बनाना पड़ता था हमें, अब भी ऐसा ही होगा, 130 का पैक लेकर 30-40 रुपये के और चैनल लेंगे, 170 तक बनाना पड़ेगा, है तो सेम पर महंगा हो गया पहले से, 99 वाले के मुताबिक भी महंगा हो गया, 220 के मुताबिक भी महंगा हो गया, और 340 के मुताबिक भी महंगा हो गया, ये दोस्तों है महंगा जरूर। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, थैंक यू दोस्तों।